नमस्कार साथियों, रेनबो 7 चैनल आपके लिए लाया है मॉलविड का समक्षेत्र प्रक्षेप। मॉलविड प्रोजेक्शन है, इसको सामान्य नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का रूट प्रक्षेप है, कन्वर्जन प्रोजेक्शन है। रूट प्रक्षेप के बारे में पहले बता चुका हूँ, किसी विशेष उद्देश्य हेतु स्वतंत्र रूप से बनाए गए जो प्रक्षेप है उसको रूट प्रक्षेप कहते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम जो कार्ल ब्रेडेन मॉलविड है नामक एक कार्टोग्राफर थे जर्मन के, उन्होंने इस प्रक्षेप का निर्माण किया था। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, आरोप एक अनुपात 250 करोड़ पर संसार के मानचित्र के लिए एक मॉलविड प्रक्षेप की रचना करनी है जिसका अंतराल 30 डिग्री का है, और इसको मैं आलेखी विधि द्वारा यानी ग्राफिकल मेथड के द्वारा मैं ज्ञात करूँगा। इसके लिए तीन स्टेप है। पहले स्टेप है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्ध व्यास यानी जो ये आर है वो निकालनी है। इसका पृथ्वी का वास्तविक अर्ध व्यास होता है आपके सामने दे रखा है, और जो आरएफ का हर है यह प्रश्न में दिया गया है, इसको नीचे लिखकर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.54 सेंटीमीटर आता है। और दूसरी स्टेप है प्रक्षेप के मध्यवर्ती जो वर्त का अर्ध व्यास, इसका विस्तार कहाँ से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक ये लेना है। इसकी आर निकालने के लिए सूत्र दिया गया है वर्गमूल 2 यानी अंडरूट 2 गुणा आर, और अंडरूट 2 का मान आपको ध्यान है 1.414 होता है, और आर का मान अभी हमने प्राप्त किया था ये यहाँ रखते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने पर 3.59 सेंटीमीटर आता है, बहुत ईजी है। अब अगली तीसरी स्टेप है प्रत्येक अक्षांश से भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से जो हम अक्षांश निर्मित करेंगे क्योंकि अंतराल 30-30 का है, तो उसके लिए अलग अलग कैलकुलेशन करना होगा। 15-15 का होगा तो ज्यादा हो जाएगा, ऐसे डबल हो जाएगा, 15-30-45-60-90 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 30 का है तो यहाँ 30 के लिए दूरी ज्ञात करने के लिए जो आर अभी आई थी ये वो लेंगे, और ये जो है एक सारणी टेबल बनी हुई है जो इसमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ दिखा दूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आर से गुणा करेंगे तो ये 30 डिग्री अक्षांश वर्त के लिए आ रही है 0.404 को आर अभी प्राप्त हुआ है यहाँ, ये उससे कैलकुलेट करेंगे तो आता है 1.45 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 60 के लिए इतना मान है, 90 के लिए इतना मान, 90 के लिए एक होता है, तो इसको अब आर से गुणा करेंगे, आर का मान यहाँ दे रखा है, इससे गुणा करने पर ये हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। अब हम प्रक्षेप का निर्माण करते हैं। मॉलविड प्रक्षेप के निर्माण के लिए एक आप लाइन खींचिएगा, लंबवत खींच लिए जैसा कि देख पा रहे हैं। अब जो डिवाइडर है उसको 2 नंबर वाली स्टेप उतना खोलना है, 3.59 इतना खोलना है, तो देखिएगा मैंने उतना ही खोल रखा है, और ये जो त्रिज्या है आर जो निकाली थी आपको प्राप्त होती है 3.59, उसका एक वृत्त आपके सामने बनाना है। अब आपको चांदा लेना यानी प्रोटेक्टर लेना है, और इसका जो सेंटर है यहाँ था ना वहाँ रखकर 90 डिग्री का एंगल पर मार्क करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने मार्क कर दिया। अब इसको आप इसको और इसको मिला दीजिए, लाइन एक्स्ट्रा खींच बार तक खींचनी है, बार तक खींचनी है, क्यों खींचनी है इसका अभी पता चल जाएगा। अब आपको जो तीसरी स्टेप है ना प्रत्येक अक्षांश के अक्षांश से भूमध्य रेखा की दूरी, उसकी दूरियां आपको 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 के लिए और लानी है।
30 के लिए 1.45 सेंटीमीटर में इससे ही ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, उससे 1.45 यानी कि 4 से अधिक और 5 से कम उस पर चिन्हित करना है दोनों तरफ, दोनों गोलार्ध में, दोनों हेमिस्फीयर है उसमें, यहाँ और यहाँ भी दोनों तरफ अंकित करना है। दोनों चिन्ह अंकित कर दिए मैंने। 60 डिग्री के लिए था 2.73, तो 2.7 से मैंने ज़्यादा लिया और चिन्ह अंकित कर दिया है, सॉरी यहाँ, और दूसरी तरफ यहाँ भी अंकित करना है 2.7 से थोड़ा ज़्यादा चिन्ह अंकित करना है। दोनों तरफ कर दिया है। जो चिन्ह प्राप्त हुए हैं उन पर 90 डिग्री का कोण बना दें। यदि आपको एक्यूरेट प्राप्त करना है, एक्यूरेसी रहनी है, तो यहाँ 90 डिग्री का चिन्ह लगा दें, 30 पर भी और 60 पर भी, और इस तरफ दोनों गोलार्ध में लगाने 90 डिग्री की। यह हो गया और ये 60 डिग्री। 90 के लिए आपको बता दें 90 डिग्री का मान आता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ दोनों जो गोलार्ध होते हैं हेमिस्फीयर ध्रुव होते हैं पोलर उन पर आता है, उसके लिए कोई चाप काटना नहीं होता है। अब दोनों तरफ सीधी लाइन द्वारा इसको मिला दीजिएगा, जैसा कि मैं मिला रहा हूँ, और लाइन इसको लंबी लेनी है इस तरफ। ये 90 वाला बिंदु और इस तरफ वाला दो बिंदु मिल जाएंगे तो लाइन एकदम स्ट्रेट आ जाएगी, सीधी आ जाएगी ऐसा दोनों तरफ। अब आपको डिवाइडर लेना है, जो भूमध्य रेखा है उसकी त्रिज्या इतना खोलना है, और भूमध्य रेखा के जो यहाँ रखकर आपको चाप काटना है इस तरफ, सेम ये प्रक्रिया इस तरफ दोहरानी है, इस परिधि पर रखकर ये चाप काटना है। अब आपको ये 30 डिग्री के लिए उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध दोनों के लिए करना है, कितना चाप बढ़ना है और इस तरफ चाप आपको काटना है, और इस तरफ भी ये सेम प्रक्रिया दोनों तरफ करनी है, और उत्तरी गोलार्ध में भी 30 डिग्री चाप काटना है दोनों तरफ। साठ डिग्री का चाप मैंने भर लिया दक्षिण गोलार्ध के लिए और इसका चाप काट दिया है, दोनों तरफ काटना है आपको। इस प्रकार जो ये भूमध्य रेखा है बीच वाली 0 डिग्री, इसको आपको नापना है अक्षांश को, ये आ रहा है लगभग 14.2 के लगभग आ रहा है। अब इसके टुकड़े करने हैं, कितने करने हैं, तो आपको ये 360 डिग्री अक्षांश है उसको निरूपित करेगी, और उसमें अंतराल है उसका भाग दे दीजिए, अंतराल आपका 30 डिग्री है तो उत्तर आता है 12, कितना आएगा, इसके 12 टुकड़े करने हैं, 6 इस तरफ करेंगे और 6 इस तरफ, तो उत्तर आया अभी 14.2 सेंटीमीटर। उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका उत्तर आता है 1.18, तो ये इसके टुकड़े करने होंगे। इसको चिन्हित कीजिए 1.18 से यहाँ आ जाएगा। दूसरा होता है 2.36, इसको मैंने किया था गुणा 2.36 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 3.54 जो यहाँ इस परिधि पर ही आ जाएगा। चौथा था 4.72 यहाँ आ जाएगा। पांचवा आ जाएगा 5.9 यहाँ आ जाएगा, और लास्ट यह था 7.2 इस पर आ जाएगा अपने आप। इसी प्रकार इस तरफ भी कर लेते हैं चिन्ह,
इस प्रकार चिन्हित कीजिएगा। अब 30 डिग्री के लिए करते हैं। 30 डिग्री के लिए भी लंबाई 13.2 प्राप्त हुई है, इसका 12 का भाग देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13.2 में 12 का भाग देने पर 1.1 प्राप्त होता है। इतने चाप मारेंगे हम, मैं प्रकार को 1.1 आपके सामने खोल लेता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें 30 डिग्री के लिए आप चाप काटिएगा इस प्रकार, ये इस पर आ जाएगा। इस प्रकार आप प्रकार की सहायता से भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। नीचे भी इस प्रकार करना है, दोनों तरफ, दोनों गोलार्ध है ना, दोनों हेमिस्फीयर है, उसमें भी ये यूज करना होगा आपको। साठ डिग्री के लिए हम जब नापते हैं तो इसका नाप आता है 9.9 सेंटीमीटर के करीब, और इसका उत्तर आता है 0.825 सेंटीमीटर का चाप मारेंगे। मैंने 0.8 से ज़्यादा खोल लिया थोड़ा। 60 डिग्री के लिए एक चल नहीं रहा है, ये हो गया 3, 4 और हो जाएगा 5, 1 ये 2, तीसरा अपने आप ही है, ये 6 इस तरफ हो जाएंगे और 6 इस तरफ चाप। नीचे भी इस तरह आपको इस तरफ चाप आपको काटने होंगे। अब आपको सिंक की सहायता से इनको आपस में मिलाना है, जैसा कि मैं मिला रहा हूं। इस प्रकार आपको मिलाना होगा, इस प्रकार एक एक करके आपको मिलाना होगा। इस प्रकार मिलाते जाइएगा, ये अंतिम है। इस प्रकार आप भी मिला सकते हैं, एक बार एक पार्ट बना दिया, दूसरा पार्ट बन जाएगा इसी प्रकार। इस प्रकार हम ये देशांतर रेखाएं प्राप्त कर लेते हैं। अब अक्षांश रेखाओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मोलविड प्रक्षेप तैयार हो गया है। हमने इसके ऊपर जो अक्षांश और देशांतर है उसका अंकन कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ 180 तक ईस्ट पूर्वी देशांतर और यहाँ 180 पश्चिमी देशांतर अंकित कर दिया है, नॉर्थ और साउथ पोल अंकित कर दिया है, और ये अक्षांश रेखा भी 30, 8, 90 दोनों गोलार्ध में अंकित कर दिए। इस प्रकार हम इस प्रक्षेप को आसानी से बना सकते हैं। थोड़ी कठिनाई आ सकती है, कोई भी इससे संबंधित प्रश्न हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।